सारे काम करने के बावजूद मैंने इस फैसले को बड़ा सोच समझ के फैसला किया कि मुझे भी सांसद बनना चाहिए और आप लोगों की आवाज़ बनना चाहिए। हमारे आवाज़ एक कम है पार्लियामेंट में, हमारे गिरी चले लोग पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं और हमारी आवाज़ और हमारे मसले जो यहाँ पर इस तरह नहीं उठाए जाते जिस तरह के उठाने चाहिए जाने चाहिए। एज एक डॉक्टर की हैसियत मसला आता है जिसके बारे में शायद मैं ना जानता हूँ, लेकिन हमें ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है। हमारा अस्पताल में जाना या यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर बात करना आगे तक नहीं जाना। तो हमारे ऐसे और भी लोग हैं, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो जिन्होंने कदम उठाए हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं और दूसरे तरीके के प्रोफेशनल लोग। मैं आपसे खास करूँगा, खास करूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग 4 जुलाई को ना सिर्फ खुद वोट दें बल्कि हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी लेकर जाएँ और 4 जुलाई को कांग्रेस पार्टी को और मुझे कामयाब करें। मैं आपके इलाके से खड़ा हूँ, ग्राउंड साइड से। इसके अलावा जेगनज गोवर्टन टेंटन नॉर्थ साउथ ईस्ट ये सब हमारे इलाके हैं। ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी पहले नहीं थी, बनाई गई थी गवर्नर अटेंडमेंट की। इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 70,000 ज़्यादा लोग हैं इलेक्टोर रजिस्टर्ड, तो जाहिर हर जगह नहीं पहुँच सकता। आपको मेरी आवाज़ करना पड़ेगा व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, खासतौर पर यंग लोग हैं, हम सबके पास सोशल मीडिया है, आप पैगाम बनाएँ और बेशक चाहे मुझे वोट ना डालें, चाहे मैं जीतूँ या हारूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपके उतने काम करूँगा जो मैंने फैसला कर लिया मुझे काम करना। मेरा नंबर मेरे भाइयों के पास है, बैठे हैं इमाम साहब हैं, कभी भी किसी शख्स को जरूरत पड़ी NHS की है वैसे आप बेशक मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे कभी भी आप ये मैं नहीं कहूँगा कि मुझे कॉन्टैक्ट नहीं देते हैं, बहुत से लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, चैरिटी वर्क भी करता हूँ, लेकिन चैरिटी वर्क और सोशल काम करने से हमारे पास ख्याल नहीं होंगे। हमें सियासत आना पड़ेगा, मैं यंग लोगों को भी कहता हूँ, बच्चों को 18 से 25 साल वाले कि भाई पॉलिटिक्स में आओ, काम करो। आज पता बताओगे 10 साल बाद 20 साल बाद पार्लियामेंट में जाओगे, हमारे लोग बहुत कम ऐसे करते हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुनेंगे, आप मुझे इस बात का मौका देंगे कि मैं आपकी आवाज़ बनूँ पार्लियामेंट में और मेरे लिए दुआ करें। मेरे बुजुर्ग हैं बहुत सारे बैठे हैं और अल्लाह ताला हमें कामयाब करें और हम जो है इंशाल्लाह 4 जुलाई में रिलेशन। शुक्रिया, बहुत पाकिस्तान।